दोस्तों मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज के मरीजों को अक्सर एक इंसुलिन आता है लैंटस सोलो स्टार, वो स्टार्ट किया जाता है। तो आज आपको बताएंगे कि लैंटस सोलो स्टार इंसुलिन कैसे लगाया जाए। तो आप जैसे देख रहे हैं इस फोटो में, लैंटस सोलो स्टार जो इंसुलिन जो होती है ये एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है जो सबक्यूटेनियस इंजेक्ट करने के बाद ब्लड में करीब 2 घंटे बाद उसका असर स्टार्ट होता है और करीब करीब 20 से 24 घंटे ये काम करता है। ये लैंटस सोलो स्टार जो आता है ये ऐसा पेन आता है, ये डिस्पोजेबल पेन होता है जो कि एक पेन के अंदर 300 यूनिट इंसुलिन होता है। आप देखिए इसमें लिखा है कि ये 100 यूनिट पर एमएल है और इसके अंदर 300 यूनिट इंसुलिन होता है। तो इसको लगाने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि मानो ये आप लैंटस सोलो स्टार पेन आ गया है, तो सबसे पहले इसके जो आप इसको कैप को खोलेंगे, सबसे पहले इसके पार्ट देखिए, इसके अंदर 300 यूनिट इंसुलिन भरा होता है। आप देखेंगे इसमें इंसुलिन ये निशान लगा हुआ है, ये 300 यूनिट लगा हुआ निशान आप देख रहे हैं, 300 लगा हुआ है और इसका ऑलरेडी 300 यूनिट भरा हुआ है पहले से ही। तो सबसे पहले क्या करना आपको कि आपने इसके पार्ट पहचाने, पहले ढक्कन हो गया, ये इंसुलिन इसके अंदर भरा होता है, 300 यूनिट भरा होता है लिक्विड के रूप में, और ये डायल विंडो है। आप देख रहे हैं इसमें, अगर आप देखेंगे तो दिखेगा कि ये कैसे डायल करना है। इसमें ये डायल विंडो है, इसमें आप देखेंगे कि 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके क्लिक की आवाज़, एक एक डायल पे क्लिक की आवाज़ आती है, ऐसे ऐसे आप बिना देखे काउंट करते हैं। जैसे कि आप देखो 1, 2, 3 ऐसे करके, और ये आपका डायल नॉब है, ये देख रहे हैं ये डायल नॉब है, ये डायल नॉब है। तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा, आप इंसुलिन को आप पैकेज निकालिए, निकालने के बाद इसके अंदर एक नीडल आता है, BD नैनो नीडल होता है या नो फाइन नीडल होता है, नो पेन नीडल होते हैं। ये नीडल के अंदर आपको ये इस नीडल में एक आउटर इसके अंदर होता है, ये कपड़ा एक पेपर कैप लगा होता है। तो सबसे पहले आप पेपर कैप को आप इसको खोलिए, ऐसे करके आपने इसको ऐसे खोल दिया, ऐसे ये कैप खुल गया। और अब क्या है कि आपको इस कैप को इसके ऊपर आपको टाइट करना है, ऐसे करके स्क्रू करके ऐसे करके इसको आपको टाइट करना है। ये टाइट हो गया, टाइट होने के बाद क्या करना है आपको, कम से कम 2 यूनिट आप इसको 2 यूनिट भरिए, 1, 2 भर दिया आपने। भरने के बाद इसको आपको 2 यूनिट भरने के बाद इसको आपको बाहर निकाल देना है, 2 यूनिट इसमें डायल करिए, 1, 2 और डायल करके इंसुलिन को सीधा करके और इसको आप इसको बाहर पुश कर दीजिए। आपको बाहर पुश करना है, अगर इससे नीडल से इंसुलिन आने लगे, लिक्विड आने लगे, इसका मतलब कि ये आपका ये इंसुलिन इंजेक्शन लगाने के रेडी है। इसे मतलब प्राइमिंग, क्योंकि क्या होता है कि आप जब इंसुलिन भर देते हो, पुश करते हो 2 यूनिट, तो पूरा नीडल और सब आ जाता है। तो आप इस तरह से आप जब 2 ड्रॉप निकलने लगे तब आप इंसुलिन लगाने के रेडी हैं। और मान लो एक बार पुश किया आपने, 2 यूनिट नहीं, कुछ लिक्विड नहीं निकला, तो फिर से 2 यूनिट भर के और फिर से आप इसको आप पुश करिए, जब तक कि ऐसा स्टेप 3 बार करना है जब तक कि आपको आखिर में यहाँ पर कोई इंसुलिन के बूंदे न दिखने लगे। जब इंसुलिन बूंदे दिखने लगे सब कि आपका पूरा इस नीडल में हर जगह इंसुलिन आ चुका है ना, अब जितना इंसुलिन लगाओगे उतना लगेगा, इसे मतलब प्राइमिंग। तो सबसे पहला आपने ढक्कन खोला, कैप लगाया, फिर 2 यूनिट कर कर आपने इसको बाहर निकाला, जब तक नीडल की 1-2 बूंद इंसुलिन की 1-2 बूंदे बाहर न दिखने लगे, इसे बोलते हैं इंसुलिन पेन प्राइमिंग। अब आपका इंसुलिन पेन लगाने तैयार है। अब लगाने के लिए आप इसको ढक्कन, अच्छा इसमें क्या है कि आपको जो इसमें एक छोटा कैप भी आता है, इंसुलिन के ऊपर छोटा कैप था, इसकी जरूरत है, इसको आप फेंक दीजिए, ये किसी काम के नहीं आपका, ये फ्यूचर में आप ढक्कन बंद के लिए ऐसे ढक्कन बंद करिए, इसको आप ऐसे बंद करना आपको। और जो बड़ा आउटर कैप था उसको रखे रहिए, आप उसको रखे रहिए, क्योंकि जब 1-2 दिन लगाने के बाद जब आपका नीडल चेंज करके फेंकना होगा, उस समय इसे आप नीडल को ऐसे करके और तब निकाल के
और इस आउटर कैप साथ किसी एक छोटे शीशे डिब्बे में या प्लास्टिक डिब्बे में रखे, और किसी मेडिकल वेस्ट जहाँ डिस्पोज होता है वहाँ हॉस्पिटल जाके लैब जाके वहाँ डिस्पोज करिए, क्योंकि बाहर मत फेंकिए नहीं किसी चुप जाएगा। तो इसको आप इस आउटर कैप को कहीं ढंग से रख लीजिए जो फेंकने में काम आएगा। अब बोला कि आपको ये इंसुलिन पेन लगाने की रेडी है, 16 स्टार आपका। तो अब क्या है कि जब भी इंसुलिन लगाना होगा पहले आप कि जितना डोज तय करना है, तो लैंटस 16 स्टार क्या होता है कि ये क्लियर इंसुलिन होता है, इसको मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है, नंबर 1। नंबर 2, ये दिन में कभी भी लगा सकते हैं आप, कोई एक चूँकि 24 आवर काम करता है, आप इसको खाने से पहले, खाने बाद, एनी टाइम जब भी डॉक्टर बोले आपको लगाया जा सकता है। अक्सर इसको डॉक्टर या तो बेड टाइम लगाते हैं या ब्रेकफास्ट पहले लगाते हैं या डिनर पहले लगाते हैं, कोई भी डे टाइम फिक्स कर लीजिए और उसमें आप उसी टाइम पे आपको डेली लगाना है, 1-2 घंटे आगे पीछे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो लगाने के लिए सबसे पहले मानो डॉक्टर ने लिखा कि आपको 10 मिनट लगाना, 10 मिनट, तो आप इसको आप 10 मिनट को आपको आपने इसको डायल कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप देखा इसमें आपको, तो ये आप देखेंगे आप पे, तो आपका ये थोड़ा ज़्यादा डायल हो गया है। जब ज़्यादा डायल हो गया तब तो इसको वापस करते, घुमा सकते, ये देखिए ये आपका, ये अब 10 मिनट, देख रहे हैं 10 मिनट डायल हो गया आपका। ये कभी गलती से अगर मान लो डोज ज़्यादा डायल हो गया, मान लो जब ज़्यादा डायल हो गया, ये देखा आपने, ये डायल हो गया 17 यूनिट। आप देख रहे हैं इस पर क्या है कि निशान, देखिए निशान बना 16, इसका 18 बना हुआ है, तो बीच का जो लाइन है ये 17 है। आप देख रहे हैं इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 0 निशान बना है, 1 बना, 2 बना है, तो 2 के बाद सीधे 4 आया निशान, पर बीच एक लाइन खींचा, लाइन जो है ना ये, तो ये 3 है। इस तरह से आप देखोगे 4 आया, 4 के बाद सीधे 6 आया, तो बीच वाला गैप 5 है ये। तो आपने 10 मिनट लगा दिया आपने। और एक और ध्यान रखिएगा, जब भी आप इंसुलिन लगाने से पहले आप अपना पहले साबुन पानी से हाथ धो लें, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद आपने डाउनलोड कर लिया, उसके जहाँ भी इंसुलिन लगाना आपको वहाँ पे आप स्पिरिट शॉप से आपने साफ कर लिया, जहाँ भी आपको सब इंसुलिन का लगाना, आपको इंसुलिन जो लगाना होता है ये नाभि चारों तरफ, नाभि चारों तरफ 2 उंगल छोड़ के कहीं भी लगा सकते हैं आप, चारों तरफ कहीं लगा सकते हैं, नाभि चारों तरफ 2 उंगल छोड़ के, या पाँव पर लगा सकते हैं, और जहाँ भी लगाना होता है आपको उसको आपको एक फोल्ड उठाना है आपको अपने यहाँ पे। अब इसको लगाने के लिए क्या करोगे, मैंने अपने स्पीड शॉप साफ कर लिया, साफ करने के बाद जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, सुबह आपको यहाँ लगाना है आपको, तो नाभि चारों तरफ 2 उंगल छोड़ के कहीं लगा सकते हैं आप, कहीं भी अगर यहाँ लगाना है, सपोज आपको यहाँ लगाना आपको है, ठीक है यहाँ लगाना है, तो नाभि चारों तरफ आप जहाँ लगाना आपको पहले आप रुई से साफ कर लीजिए, स्पिरिट शॉप से आपने इसको साफ कर लिया, आपने स्पिरिट शॉप साफ कर लिया, साफ करने के बाद इसको सूखने दिया। उसके बाद इस पेन को आपको, आपने ऑलरेडी लोड कर था 10 मिनट, इसको पेन को पकड़ना आपको ऐसे जैसे पेन पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ लिया, ऐसे करके ऐसे पकड़ना आपको। इसके बाद इस नीडल को आपको अंदर ऐसे घुसे इसमें डाल के अंदर डाल देना है, डालने के बाद फिर इसको प्रेस करना आपको, फिर इसको प्रेस कर देना आपको, प्रेस करने के बाद आपको 10 सेकंड तक होल्ड करना है, 10 सेकंड होल्ड करना है अंदर, और उसके 10 सेकंड होल्ड काउंट करिए, 10 तक काउंट करने के बाद बाहर निकाल लीजिए। आपका देख लीजिएगा कि आपको ये जो 0 है ये 0 आ जाना चाहिए, अगर 0 आ गया तो पूरा इंसुलिन लग गया है। और उसके बाद आप इस इंसुलिन से इसको जहाँ लगाया आपने जैसे वहाँ दबा दिया आपने, दबा देंगे उसको मलना नहीं आपको, खाली दबाना है, आप दबा रहना है, 10 सेकंड दबा देना है, फिर हटा लेना है। तो इस तरह से आपका इंसुलिन डोज लग गया। और आपको ध्यान रखना हर बार इंसुलिन डोज की जगह चेंज करना है, कभी कभी यहाँ लगाना है, कभी यहाँ लगाना है, कभी यहाँ लगाना है, कभी यहाँ लगाना है, कभी इस साइड, कभी लेफ्ट साइड, राइट साइड, कभी इधर, कभी थाई पे लगा लेना आपको। तो इस तरह इंसुलिन एक जगह नहीं लगा, हर बार आपको इंसुलिन की जगह चेंज करना है। हमने बताया कि आपको कि पहले इंसुलिन, उसके बाद लगाने के बाद आप, चूँकि नॉर्मली तो ये नीडल जो होता है
एक नीडल से एक इंजेक्शन लगाने का गाइडलाइन है, बट चूंकि पैसा बचाने के लिए अधिकांश लोग एक नीडल को 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन अप टू 7 डे यूज करते हैं। चूंकि एक ही मरीज इसी इंसुलिन से अपने खुद लगा रहा है बार बार, तो उसे कोई नुकसान नहीं है, बट हर बार अगर एक ही इंसुलिन को बार बार यूज करेंगे तो आपको पेन ज़्यादा होता है। तो जैसे लगे कि पेन ज़्यादा हो रहा, आप अपना इंसुलिन नीडल चेंज कर लें। तो जब इंसुलिन नीडल चेंज करना होगा आपको, आपको तो क्या करेंगे उसके लिए, आपको उसके लिए आपको इसको फिर से जो पहले 12 कैप था उसका रखा रहा आपने था पहले, उससे आपने इसको लगाया, लगा के और आपने इसको वापस को मोड़ा, मोड़ के और घुमा के इसको बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद इसको किसी ऐसे सीधे मत फेंकिए, किसी डिब्बे में, जैसे मान लो ये डिब्बा है, कोई एक हमारा एक कोई भी एक डिब्बा लिया आपने, इस डिब्बे में आपने रख करके इसको बंद कर दिया, कोई शीशे का या कोई प्लास्टिक के स्ट्रॉन्ग डिब्बे में रखे, और फिर आपने जहीं किसी हॉस्पिटल जा करके किसी लैब में जहाँ मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल वहाँ जाकर उसको दे दीजिए, वो लोग उसको डिस्पोज कर देंगे। तो आई होप इससे नॉलेज मिला आपको। और इसके बाद फिर क्या करेंगे, आप जब इस तरह नैन नील यूज करके इसको आप रख लेंगे, तो कैप करके इसको आप जो पेन यूज कर रहे हैं आप फ्रिज के बाहर भी रख सकते हैं, आप उसको 2 हफ्ते ख़राब भी होता है, या फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। अगर फ्रिज के अंदर रखेंगे आप जहाँ अंडा रखता है रखा जाता है, जहाँ पानी रखा जाता है फ्रिज के आउटर डोर में, वहाँ रख सकते हैं आप। और जब भी लगाना हो उसे आधे घंटे पहले निकाल लीजिए, जिससे कि ठंडा ना रहे, कोई कभी ठंडा लगाने से इंसुलिन पेन ज़्यादा होता है। तो आई होप इसे नॉलेज मिला कि इंसुलिन लैंटस सोलोस्टार कैसे लगाना आपको। तो सिंपल स्टेप है, पहले कैप खोला, नीडल नया नीडल लगाया, आपने डोज लोड किया, इंजेक्शन साइट क्लीन किया और इंजेक्ट किया, वहाँ पर 10 सेकेंड काउंट किया, उसके बाद आपने बाहर लगा निकाल दिया। तो ये इंसुलिन लगाना बड़ा आसान है, आप इंसुलिन लगाइए, अपना शुगर कंट्रोल रखिए। और आप जान लें, जैसे कि हम लोग नॉर्मली डॉक्टर लोग इंसुलिन डोज कम से स्टार्ट करते हैं, डेली अपना शुगर खाली पेट चेक करिए, अगर आपका खाली पेट शुगर 130 ज़्यादा जाए तो डेली एक दो यूनिट जैसे डॉक्टर सलाह दिए आपको बढ़ाते जाएं, जब तक शुगर नॉर्मल ना आ जाए। आपको कोशिश करनी कि आपको इंसुलिन बढ़ा करके 120 से नीचे लाइए, बेस्ट होता है कि फास्टिंग 90-120 के बीच रखिए आप, उसके लिए इंसुलिन डोज बढ़ाना पड़ता है। ऐसे अक्सर देखा गया कि एक बार डॉक्टर इंसुलिन डोज लिख दिया 15 मिनट, 15 मिनट मरीज लगा चला जाता है, तो वो गलत है। आप डेली शुगर चेक करिए, 130 के ऊपर आए तो डेली बढ़ाइए, अगर खाली पेट सॉस कम आया तो एक घटा लीजिए, 130 ऊपर एक बढ़ा लीजिए, और ज़्यादा 160 ऊपर 2 बढ़ा लीजिए, तो बढ़ाते बढ़ाते शुगर का कंट्रोल करिए, तो इस तरह आप लैंटस सोलोस्टार से शुगर कंट्रोल कर देंगे। अब पता कैसे लगे कितना इंसुलिन बचा हुआ है, तो आप इसमें अगर आप देखें इसमें देखिएगा, अगर आप तो इसमें देखिए निशान बना हुआ है, और आप देखेंगे इसमें आप तो ये देखिए बना हुआ है 50, 100, 150, 200, 250, 300। तो ये इंसुलिन पूरा 300 यूनिट होता है। तो ये जो आप देख रहे लाल रंग का जो देख रहे प्लंजर, ये है, तो इसके ऊपर ये जो वाइट है ये इंसुलिन ही है, और ये तक खाली हो चुका है। तो ये पुराना कार्ट्रिज हमारा, तो इस पेशेंट के अंदर अब देखोगे तो केवल 50 यूनिट इंसुलिन बचा है, 50 यूनिट बस बचा हुआ है। तो इससे आपको नॉलेज मिलता है कि कितना इंसुलिन बचा हुआ है। अगर ये पीला यहाँ 200 होता तो 200 यूनिट बचा हुआ था, इससे आपको नॉलेज मिलता है कि कितना इंसुलिन और बचा हुआ है। देखा आपने, इसमें केवल 50 यूनिट बचा हुआ है। तो आई होप इसे नॉलेज मिला कि लैंटस सोलोस्टार कैसे लगाते हैं, और जिससे कि आपका बड़ा आसान लगाना सीख गया होगा आपने। कोई डाउट हो तो मेरा और वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।